हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोई फेसबुक का अकाउंट डिसेबल हो गया कैसे उसे दोबारा से चालू करें। तो आज की वीडियो में ये दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब। तो भाई मेरा देखिए, मेरा ये अकाउंट था तो ये डिसेबल हो चुका है, तो इसको मैं कैसे चालू करूँगा और कैसे आप भी चालू कर सकते हो अपने अकाउंट को। तो भाई इसमें भाई आपके अकाउंट चालू मतलब आने वापस आने के उसके 50% चांस होते हैं कि भाई आपका अकाउंट दोबारा से ये पहले था वैसा ही हो जाए, या फिर आपका मतलब परमानेंटली बंद हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा एक तरह से 30 दिन के बाद में। तो 30 दिनों में कुछ भी हो सकता है। तो उसमें उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत से लोग दिखाते हैं कि आपको इधर जाके ये करना है वो करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा एक मैं आपको मेल दिखा दे रहा हूँ वो करना है। उससे भाई 50% चांस रहते हैं, और 100% की जो गारंटी लेते हैं भाई वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि भाई इसके चांस कम रहते हैं, क्योंकि अकाउंट भाई फेसबुक ही वो है एक तरह से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो भाई वो भी कुछ सोच के उसने अकाउंट डिलीट किया होगा, मतलब डिसेबल किया होगा, ऐसे नहीं कर सकता वो। तो ऐसे भाई आपको क्या करना है, आपको अपने मेल में आना है, और देखिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको जो वाली मेल आई डी है, यहाँ से कॉपी कर लेनी है। मैं आता हूँ दोबारा से, देखिए यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने जी मेल में आना है, और जो आपकी जी मेल आई डी रजिस्टर्ड है उसमें आ जाना है आपको, और नहीं रजिस्टर्ड है तो कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी ईमेल आई डी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे मेरे पास बहुत सी ईमेल आई डी है, यहाँ से सेंड में आना है, और यहाँ से टू में उसको उस वाली ईमेल आई डी को पेस्ट कर देना है। तो ये आएगी थी फ्लिपकार्ट की जो वाली, वो सॉरी फेसबुक की जो वाली। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको डाल लेना है माई पर्सनल अकाउंट डिसेबल, आपको ये डाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक और दे दूँगा जी वाला, देखिए जी यहाँ से ये पूरा इसको आपको कॉपी कर लेना है। मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ से लाने के बाद इसे यहाँ पे डाल देना है। और इसे यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना भाई पूरा कॉपी नहीं हुआ भाई, पूरा कॉपी जी यहाँ से अब वो है पूरा कॉपी, इसे भाई पूरे डाल लेना है आपको। तो मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नेम डाल देना है, और इसमें ईमेल आईडी डाल लेनी है अपनी जो रजिस्टर्ड थी वो, अगर ईमेल नहीं थी आपको तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल लेना है, मोबाइल नंबर लिख देना है, और आपको कोई अपना सपोर्ट वे डॉक्यूमेंट भी लगा देना है, जैसे कोई भी आप आधार कार्ड या कुछ भी लगा सकते हो, उसके बाद आपको सेंड कर देना है। इससे भाई मतलब चांस रहते हैं कि आपका अकाउंट आ जाए, आपको उधर से आपकी उसकी जो टीम है फेसबुक की वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को लेना सब्सक्राइब। गुड बाय दोस्तों।